जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सवाल दिया हुआ है 4√3, 6√4, 15√6, 225 √12 को बढ़ते क्रम में लिखो। तो मैं बताऊंगा कि इस सवालों को कैसे हल करते हैं। ये 4 को कैसे लिखता हूँ, 4 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ, ये पावर का मतलब यही होता है। ये हो गया 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6 और 255 की पावर 1/12, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे कि जो ये फ्रैक्शन में दी हुई है इनका हम एलसीएम लेंगे, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 12। अब जो एलसीएम आया है इसमें हम गुणा कर देंगे सब में, एलसीएम आया 12 तो 4 की पावर 1/3 × 12, 6 की पावर 1/4 × 12, 15 की पावर 1/6 × 12, 255 की पावर 1/12 × 12। अब यहां से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, ये हो जाएगा 6 की पावर 3 और ये हो जाएगा 15 की पावर 2 और 225 की पावर 1। अब 4 की पावर 4 क्या होता है, 256 होता है, 6 की पावर 3 होता है 216 और 15 की पावर 2 होता है 225 और ये 55 है, तो ये जाएगा 255। अब यहां से आसानी से हम बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये इसका नंबर बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 216, यानी ये नंबर आपका सबसे छोटा हो जाएगा। और ये 255 ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 255 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या करना, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 216, 216 को रिप्रेजेंट कर रहा है 6 की पावर 1/4, यानी कि 6 की पावर 1/4 कौन से ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन, यानी कि अब हमें आगे देखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जबकि सबसे छोटा ये नंबर है। अब सबसे बड़ा की बात की जाए तो ये 256 है और ये आपका लास्ट में दिया हुआ है, यानी कि ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे इसमें ये पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी और इसके बीच वाली संख्या ये हो जाएगी। चलिए इस तरह का सवाल एक और देखते हैं। सवाल दिया हुआ है आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, 12√6, 4√3, 5√4 और √3 में सबसे छोटा कौन सा है, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 की पावर 1/6 और 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/2। अब मैंने क्या बताया था कि एलसीएम लेना है 6, 3, 4, 2, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 12 आएगा और जो एलसीएम आता है उसको ही पावर में हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो अब 6, 12 आया एलसीएम, एलसीएम 12 आया तो मैं 12 का गुणा कर दूंगा, 12 की पावर 1/6 × 12, 4 की पावर 1/3 × 12, 5 की पावर 1/4 × 12, 3 की पावर 1/2 × 12। ये देखो यहां से आ जाएगा 12 की पावर 2, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 6। अब 12 की पावर 2 क्या होता है, 144 होता है और 6 की पावर 4 अभी देखा था ये 256 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है और 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मतलब आप करोगे 6 की पावर 3 27 होता है, 27 × 27 कर देंगे यहाँ पे, 27 × 27 और 27 × 27 करेंगे तो आपका 49, 4, 7 × 28, 9, 8, 4, 12, 729, यानी कि ये आ गया आपका 729। अब यहां से हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे छोटी संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 125, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 की पावर 1/4, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बड़े की बात की जाए तो ये 729 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी आपकी ये हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। सवाल आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, एक बार इसको आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने की,
इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपके चार ऑप्शन है। तो यहाँ पे दिया है 5 रूट की पावर 3, 4 रूट की पावर 1/4, रूट की पावर 12 की पावर 6 और 276 की पावर 12। तो इसको कैसे लिखूंगा, 5 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 12 की पावर 1/6 और 276 की पावर 1/12। अब मैंने क्या बताया था कि जो ये नीचे आते हैं, जो फ्रैक्शन में आते हैं, इसका हमें एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम देख के पता चल रहा है एलसीएम क्या है, 12, और 12 का ही गुणा हमें इसमें कर देना है, यानी 5 की पावर 1/3 गुणे 12, 6 की पावर 1/4 गुणे 12, 12 की पावर 1/6 गुणे 12, 276 की पावर 1/12 गुणे 12। यहां से आ जाएगा 5 की पावर 4, यहां से आ जाएगा 6 की पावर 3, यहां से आ जाएगा 12 की पावर 2, यहां से आ जाएगा 276। अब 5 की पावर 4 क्या होता है, ये होता है 12, 25, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, यहां से आ जाएगा 625 और ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 276। आप सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ कौन सी समझ में आ रही है, सबसे बड़ी संख्या आ रही है 276, 625, 625 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये संख्या आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर छोटी संख्या की बात की जाए तो 144, 144 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 की पावर 1/6, यानी कि ये हो जाएगी आपकी छोटी हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल दिया है भिन्न पे, आपको बताना है कि ये जो चार भिन्न दी हुई है इसमें आपको बढ़ता हुआ क्रम कौन सा सही है। तो जब भिन्न दिया रहता है और हमें बताना होता है कि इस कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है, या बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो हर और अंश का अंतर है, यानी कि अंश तो वैसे ही रहेगा और हर और अंश का जो अंतर है वो हम अंश के नीचे लिख देंगे, यानी 25 - 31, 31 - 25 6 आ गया, 11 माइनस इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर 6 है, इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 4 है, इन दोनों का अंतर आपका 12 है। तो मैं अंतर नीचे लिख दूंगा, 15/4 31/12, ये अंतर मैंने लिख दिया। अब अंतर के बाद जो नीचे आता है इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, 6, 3, 4, 12 का मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया 12, यानी 25/6 गुणे 12, सब में मैं 12 का गुणा कर दूंगा यानी एलसीएम का गुणा कर दूंगा, 15/4 गुणे 12, 31/12 गुणे 12। अब ये दो बार जाएगा यानी 25 × 2 = 50, ये चार बार जाएगा, 11 × 4 = 44, ये तीन बार गया, 15 × 3 = 45, ये आपका 12 × 12 कट गया, एक बार गया यानी 31। अब आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या है, या इसका घटता हुआ क्रम क्या है। तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यानी 31/12। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 31/12, बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटी पहली आएगी, यानी कि बी ऑप्शन में यही दिया है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सी आएगी, 44, यानी कि आपकी ये पहले नंबर पे आएगी, फिर ये दूसरे नंबर पे आएगी, अब ये 45 है तो ये तीसरे नंबर पे आएगी और ये चौथे नंबर पे आएगी। अब आप क्रम देख लीजिए, पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है और ये चौथा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आपको दूसरे नंबर पे किसको रखना है, दूसरे नंबर पे 11/14 को रखना है, 11/14, और तीसरे नंबर पे आपकी हो जाएगी 15/19। ठीक है, ये आपका सही क्रम हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में। अगर घटते हुए क्रम की बात करें तो घटता हुआ क्रम आपका इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सवाल दिया है 51/57, 23/26, 31/35, 89/101 में बड़ी संख्या कौन सी है, ये ऑप्शन आपके चार हैं। तो इसको मैंने अभी बताया क्या करना है कि इन दोनों का गैप देखना है, 51/ इन दोनों का गैप कितना है, 6 का है, इन दोनों का गैप 6 का है, इन दोनों का गैप 3 का है, इन दोनों का गैप 4 का है और इन दोनों का गैप 12 का है। और जो गैप आता है वो आप अंश के नीचे लिख दोगे, 23/3, 31/4
नवासी बटे 12। अब ये जो गैप आया इसका हमें एलसीएम लेना है, यानी 6, 3, 4, 12 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, वो एलसीएम होता है 12। इन जब का एलसीएम लेंगे 6, 3, 4, 12 का, तो एलसीएम हो गया 12। अब ये जो एलसीएम आया है इसमें ही हम इसका गुणा कर देंगे, तो 51/6 × 12 23/3 × 12 इसको मिटा देता हूँ, 31/4 × 12 89/12 × 12। अब यहाँ से ये दो बार जाएगा, ये हो जाएगा 102, यहाँ से जाएगा ये 4 बार, 3×4 = 12 और ये हो जाएगा 23×92, यहाँ से ये जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 93, ये आपका कट जाएगा, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 89। अब आपसे बड़ी संख्या पूछी है, तो इसमें इसका नंबर सबसे बड़ा है, यानी कि ये संख्या आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी 51/57 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटे की बात की जाए तो 89 सबसे छोटा है, तो ये आपकी सबसे छोटी हो जाएगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर आपसे बढ़ता हुआ क्रम पूछेगा, बढ़ता हुआ या घटता हुआ पूछे, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगी, इसके बाद ये दूसरे नंबर पे आ जाएगी, इसके बाद ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी, इसके बाद ये चौथे नंबर पे आ, ये हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम। अगर घटता हुआ पूछे तो ये सबसे बड़ी, फिर इसके बाद ये सबसे बड़ी, इसके बाद ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, ये हो जाएगा आपका घटता हुआ क्रम। तो इस तरीके से आप हर चीज निकाल सकते हैं जो आपसे पूछा, बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, सबसे छोटी या सबसे बड़ी। आपको सिर्फ क्या करना है, अंश में इन दोनों का अंतर लिख देना है, और जो अंतर आता है उसका एलसीएम लेके सब में उसका गुणा कर दीजिए, और जो नंबर आएगा वही आप उस संख्या को डिनोट करेगा। जैसे 102 है तो ये आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, 89 यानी कि 89/101 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आपसे पूछा गया है √15 + √6 √14 + √7 √19 + √2 √20 + √1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस तरह के सवालों को कैसे हल करोगे, इस तरह के सवालों में आप क्या करते हो कि इनका सबका स्क्वायर कर देंगे, यानी √15 + √6 / √14 + √7 / √19 + √2 / √20 + √1 अब स्क्वायर करने पर क्या पाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का √15 हो जाएगा प्लस √6 का 6 हो जाएगा प्लस 2 × 15 × 6 √90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करूंगा 14 + 7 + 2 × 98। अब इसका करूंगा तो हो जाएगा 19 + 2 + 2 × 19 = 38 हो जाएगा। अब इसका करूंगा तो 20 + 1 + 2 × √20 यहां तक कर दिया। अब इसके बाद आप देखोगे कि 15 × 6 = 21 हो गया, ये 21 हो गया, 17 + 7 = 21 हो गया, 19 + 2 = 21 हो गया, और 20 + 1 = 21 हो गया, यानी कि इतना पोर्शन तो सब में बराबर है। अब बात करें किसकी, ये कौन सा बड़ा होगा, अरे तो ये वही बड़ा होगा जिसका रूट बड़ा होगा, यानी दो भी सब में है। ठीक है, अब जो संख्या रूट के अंदर सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, तो रूट के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है सबसे बड़ी है, यानी कि 14 × 7 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी संख्या नंबर बी आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसका रूट 90 का जो रूट होगा 98 से तो छोटा ही आएगा, और 20 भी छोटा होगा 98 से, 38 भी छोटा होगा 98 से, यानी कि इतना पोर्शन तो आपका सब में बराबर है। जिसका रूट वाला मान सबसे ज्यादा होगा वही संख्या आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, तो रूट वाला मान किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, यानी कि बी आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। चलो इस तरह का एक सवाल और लेता हूं। सवाल आपसे दिया है √12 + √6 √15 + √3 √10 + √8 √13 + √5 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पे आप पाओगे कि हो जाएगा 12 + 6 = 18। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 18 + 2 × √72,
जब इसका आप स्क्वायर करोगे सबका तो यही चीज आएगी, 12 प्लस 6 18 हो गया, प्लस 2 इंटू 72 ये हो जाएगा 15, प्लस 3 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 प्लस 2 इंटू 15 थी 45 ये हो जाएगा 18 प्लस 2 इंटू 80 10 इंटू 8 80 ये हो जाएगा 18 प्लस 2 इंटू 13 पना 65 ये हो जाएगा आपका 65। अब यहां से देख रहे हो कि 18 तो सब में बराबर है। अब जो रूट की संख्या सबसे छोटी होगी वही आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो रूट की संख्या कौन सी छोटी है, रूट 45 छोटी है, यानी कि रूट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। अगर बड़े की बात की जाए तो जिसका रूट बड़ा होगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी, रूट 80 यानी कि ये वाली आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, ये आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। अगर इसका घटते क्रम में पूछेगा तो आप घटते क्रम में बता दोगे कि ये सबसे बड़ी होगी, फिर इसके बाद ये सबसे बड़ी होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। अगर बढ़ते क्रम में पूछा जाएगा तो ये पहले नंबर पे आएगी, फिर ये दूसरे नंबर पे आएगी, ये तीसरे नंबर पे आएगी, ये चौथे नंबर पे आएगी। तो आपको इस तरह के सवालों को इस तरह से डील करना है कि अगर ये रूट में दे रखी हो तो उसका स्क्वायर करना है। आप देखेंगे कि ये संख्या तो सब में बराबर होती है, और जो रूट के अंदर की संख्या होती है उसी जो अगर सबसे बड़ा रूट है तो भैया सबसे बड़ा ही मान आएगा रूट का, और सबसे छोटा रूट है तो सबसे छोटा मान आएगा। तो जब इसमें 18 में से कुछ छोटा जोड़ेंगे तो वह छोटा हो जाएगा, 18 में से सबसे बड़ा जोड़ेंगे तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी। इसलिए इसका रूट 45 है तो रूट 45 का मान सबसे छोटा होगा, 18 में आप रूट 45 जोड़ेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब ये सवाल वैसा ही है पिछले वाला, मैंने सिर्फ क्या किया है साइन भर चेंज किया है, प्लस की जगह मैंने क्या रखा है माइनस रखा हुआ है, संख्या वही है, आपसे पूछा भी वही गया कि छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको इसमें भी वही करना है स्क्वायर करना है। तो रूट 12 माइनस रूट 6 का स्क्वायर, रूट 15 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 10 माइनस रूट 8 का स्क्वायर, रूट 13 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अच्छा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 12 और 6 18 माइनस 2 इंटू रूट 72 यही आएगा। जब इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 18 माइनस 2 इंटू रूट 45, ये हो जाएगा 18 माइनस 2 रूट 80, ये हो जाएगा 18 माइनस 2 रूट 65। अब आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी। अब मुझे ये बताओ कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। आप सबसे रूट तो इसका बड़ा होगा, और जब रूट बड़ा होगा तो जब 18 में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो वही तो आपका छोटा हो जाएगा। ये मान लो रूट 45 है, अब इसका मान सबसे छोटा आ रहा है, लेकिन 18 में से आप छोटा घटाएंगे तो वो संख्या बड़ी होगी। इसका मान लो कि लगभग 6 और 5 के बीच में रहेगा, 7 का 49 होता है, 6 का 36 होता है, तो मान लो कि 6.5 के आसपास है। तो 18 में से जब 6.5 आप घटाओगे तो ये क्या बचेगा, 11.5 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 18 है, ये किसके बीच में है, ये आपका बीच में है किसके, 9 और 8 के बीच में है। तो मान लेता हूं मैं आपने 8.5, 8 का 8.5 का दोगुना होता है 70, तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 9 मैंने क्या लिया था, यहाँ पे 6.5 लिया था, 6.5 का दोगुना होता है यहाँ पे 6 दूनी 12 13, 13 में से 18 में से 13 घटाऊंगा तो 5 बचेगा। अब देखो अंतर क्या आ रहा है कि जो सबसे बड़ा रूट के अंदर की संख्या वो घटाते हैं 18 में से, वही सबसे छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन आपका सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो जस्ट उल्टा हो रहा है पहले वाले का, प्लस में क्या, अगर यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो ये संख्या आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी रूट के अंदर की है। लेकिन जब रूट के अंदर की संख्या को मैं 18 से घटाऊंगा तो ज्यादा घटेगा, यानी मान कम आएगा, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा, हमने प्लस में देखा था ये सबसे क्या थी, सबसे बड़ी थी, ये सबसे छोटी थी जब प्लस में किया था। लेकिन अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस में ये क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, माइनस में ये बड़ी हो जाएगी और ये वाली छोटी हो जाएगी। ये इतना अंतर आपको समझना पड़ेगा कि जब हम माइनस करते हैं तो जो संख्या जिसका रूट का मान सबसे ज्यादा होता है वही संख्या सबसे छोटी हो जाती है, और जिसका रूट का मान सबसे कम होता है वही संख्या बड़ी हो जाती है, और जब बड़ी की बात की जाए तो जिसका रूट का मान ज्यादा होता है वही संख्या बड़ी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में बहुत ही अच्छे सवाल लेकर आऊंगा, ठीक है, धन्यवाद।